तो इसका जो गाइस आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ओके, एक क्वेश्चन आता है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कवितावली के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाओं के बारे में भी पूछा जाता है कभी कदार। ओके, अगला है क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी के जो गाइस लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है हमारा 217वां, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से क्या है। तो घुड़सवार शब्द जो निम्नलिखित में से क्या है मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजायब घर है। तो अजायब घर क्या चीज़ है, तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा, अजायब घर जो है ऑप्शन डी, संकर शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको हिंदी के टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको हर टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा और आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आज इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं रिवीजन के लिए, जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी, देवनागरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। तो इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो रेखांकित अंश मतलब बहुत सी, इसमें क्या है आपको बता देता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुणवाचक, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं। तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हैं सभी उदाहरण विशेषण के। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए, पांडित्य। अगला है, हंसना कैसी क्रिया है। तो हंसना जो क्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। ओके, तो अकर्मक क्रिया है हंसना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम देखने के लिए आपको चारों ऑप्शन सही से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, विसंभरा, विश्व, विश्वस और विश्वास। ओके, एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल है, जो कि है, शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है। तो शोक दोस्तों स्थायी भाव हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ओके, याद रखना। एक दोस्तों पैराग्राफ दिया है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, तो आंखों में भरे बियागरी, पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बता देता हूँ। तो 226 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। आपको देखने में ही लग रहा है इसमें श्रृंगार रस का पूर्णतया प्रयोग किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में टोटल मात्राएं आपको मैं बता देता हूँ, वो होती हैं ऑप्शन बी, टोटल होती हैं 16। ओके, एक क्वेश्चन गाइस दिया हुआ है, मूक हुई बाचाल, पंगु चढ़े गिरीबर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको छंद की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए आप लगा पाएंगे। ओके, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको छंद का पूरा वीडियो बना के दूंगा, जिससे आप आसानी से छंद को पहचान पाएंगे। ये वीडियो केवल प्रैक्टिस के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। ओके, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा गाइस, तो ऑप्शन ए, 16 छंद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मूक हुई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल,
द्रवौ सकल कलिमल दहन। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें भी गाइस आपको बता देता हूँ, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, सोठा छंद है। एक दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध फेमस उदाहरण आ रहा है, या कह सकते हैं एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो दोस्तों अलंकार हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 231 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। अगला है हमारा, सुहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आतप परयो प्रभात, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों अलंकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरदास की ये पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो हिंदी का जो पहला प्रश्न पत्र पहला पत्र जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर जो रचना हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। अगला है 236, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? तो शुद्ध रूप आपको छांटना है, तो कौन सा हो जाएगा 236 का आंसर हो? ऑप्शन ए, प्रज्वलित। ओके, कुछ और क्वेश्चन है गाइस शुद्ध रूप छांटने, तो शुद्ध शब्द इसमें बताना है 237 में, तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्ज्वल। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी शुद्ध शब्द छांटना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यक्रम। ओके, अगला है 239, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो 239 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशल। ओके, अगला है 240, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो 240 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुजारिन। ओके, नेक्स्ट है 241, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो 241 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दयालु, दिव्या और अज्ञानी में प्रत्यय है। अगला है 242, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर गाइस आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, काशी नागरी पहचानी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 243 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 में काशी नागरी पहचानी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है? तो आवारा मसीहा में जो जीवन चरित है उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है 245, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक हैं जो वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, ज्ञान रंजन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 246, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो 246 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। नेक्स्ट है हमारा, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो 247 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनदास नैमी सराय। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इदन्नम मतलब लिखा है इदन्नम, रचना किसकी है? आपको लिख के बता देता हूँ, इदन्नम। ओके, ये दिया हुआ है, तो यह रचना किसकी है?
तो 248 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन है 249, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 249 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौ अजान और एक सुजान, ये है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, चंद्रयान के रचयिता हैं, तो चंद्रयान के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। ओके, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की जो सभ्यता है इसको आपने पहले पढ़ा होगा, तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह, आचरण की सभ्यता है। अगला है 252, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है जो, वो कहलाता है ऑप्शन ए, यू युद्ध सु। ओके, अगला है 253, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो 253 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या बर। ओके, नेक्स्ट है 254, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है, तो किसी वस्तु को गलत समझ लेना क्या है? ऑप्शन सी, भ्रांति है। अगला है 255, निम्न में से दशम शब्द है? तो 255 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीष। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन में, कौन सा शब्द दशम नहीं है? तो 256 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।